गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के बच्चे जो हैं उनको उनका हार्दिक स्वागत है क्लास सिक्स में. वेलकम यू ऑल. नाउ आई एम गोइंग टू द लेसन और थर्ड. आई थिंक मैंने सेकंड लेसन का लास्ट टाइम में क्वेश्चन आंसर भी कराया और जो है लेसन कई बार पढ़ाया जा चुका है. थर्ड लेसन शुरू करते हैं बिना किसी देरी की. तो थर्ड लेसन में है फाइबर टू फैब्रिक. आखिर कैसे हम जो है किसी धागे को, किसी फाइबर को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं. तो फाइबर का मतलब होता है रेशा, धागा, इस तरह से आप कह सकते हैं. और फिर जो है उसका कंप्लीट जब स्ट्रक्चर बन जाता है किसी धागे को बुन के, तो उसे फैब्रिक कहते हैं. लाइक आप देख सकते हैं कॉटन, कॉटन का जो कपड़ा तैयार होता है, सिल्क, ये सब क्या हैं, दिस ऑल आर फैब्रिक. ठीक है ना, वो सब क्या हैं, फैब्रिक हैं. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइबर टू फैब्रिक आखिर हमें क्या. तो इसमें से इनसाइड द लेसन में पढ़ना है बेसिक नीड्स ऑफ क्लॉथ, यानी जो है हमें फैब्रिक की आखिर ज़रूरत क्यों है, यानी उस कपड़ों की ज़रूरत क्यों है. ब्रीफ हिस्ट्री क्या रही, कब खोजा गया इसको, फाइबर एंड फैब्रिक में क्या डिफरेंसेस है. यार्न, अगर हमने फाइबर से यार्न बनाया फिर उसको फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करें. एंड व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, और आखिर सोर्सेज क्या हैं. ये सारे जो है सिलेबस, ये कोर्स आपको पढ़ना है. तो बिल्कुल धैर्य रखें और ध्यान से समझने की कोशिश करें. तो गेटिंग स्टार्टेड में सबसे पहले आपको ही स्वयं बताना है. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स गिवन बिलो. नीचे में जो अलग अलग प्रकार के कपड़े दिए गए हैं आप लोग ध्यानपूर्वक देखें. कैन यू नेम द फाइबर्स ऑफ क्लॉथ्स, व्हाट डिफरेंसेस डू यू फाइंड देम. तो किस किस प्रकार के इसमें क्लॉथ्स का यूज़ हुआ है, आइदर कॉटन, सिल्क, ये क्या है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं. अगर बता सकते हैं तो पिक्चर के नीचे तुरंत लिखें और इसको सेंड करें. यस, सबसे पहला टॉपिक है बेसिक नीड्स ऑफ क्लॉथ्स, कि व्हाट इज़ द नीड. नीड मीन्स क्या ज़रूरत है हमें, कपड़ों की ज़रूरत, बेसिक नीड क्या है. तो हम जानते हैं कि क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. ये कुछ हमारे बेसिक, जैसे फूड की, वाटर की, एयर की ज़रूरत है, उसी तरह से हमें अपने तन, हम अपने बदन, शरीर को छुपाने के लिए हमें, और ठंड से बचने के लिए भी हमें क्लोथ्स की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है. तो वाई आर दे सो इम्पॉर्टेंट, तो आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है. बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट वेदर कंडीशन सच एज स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड, हीट एंड रेन. तो हमारे सबसे पहले तो ये ज़रूरत है कि कपड़े ही जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं किस चीज़ से, तो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन से, जैसे बॉडी को हमारे बचाते हैं. देखिए, बॉडी अगेंस्ट वेदर कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, बहुत अत्यधिक गर्म पड़ रही है, तो देखते हैं कि लोग जो है छाता लगा लेते हैं या जो है रुमाल या कोई चेहरे पे बांधते हैं. ठीक है ना. एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं. हीट, बहुत जो है गर्म होती है. एंड रेन, और बारिश से भी. तो दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट बाइट. अगर हम जो है कपड़े पहने नहीं और हम जंगलों में जा रहे हैं तो हमें कई तरह के इंसेक्ट्स और कई तरह के जानवर भी काटते हैं. दे रिफ्लेक्ट आवर पर्सनैलिटी एंड मेक अस लुक गुड. और कपड़ों से ही हम सुंदर दिखते भी हैं, वो हमारे पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं. हमारे जो है हमारा जो गेटअप है वो हमारे लुकअप को गुड बनाते हैं. हम अच्छे दिखते हैं, हैंडसम दिखते हैं. ठीक है ना. एंड स्मार्ट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. तो वेरी का मतलब होता है कि अलग अलग. तो जिस प्रकार के हम जो है कपड़े पहनते हैं या लोग कपड़े पहनते हैं, वो जगह से जगह में, अगर हम जगह जगह जाएं तो वो अलग अलग प्रकार के कपड़े लोग पहनते हैं, वेरी करता है वो. इट मेनली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस एज वेल एज द मटेरियल्स ईजिली अवेलेबल इन दैट प्लेस. तो ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, कि आखिर वहाँ जो लोग कपड़े पहनते हैं तो वहाँ का मौसम क्या होता होगा, किस कारण लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, और जो है मटेरियल्स जो हैं वहाँ पे क्या उपलब्ध है. मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ ज़्यादातर खादी का कपड़ा अगर हम पहनते हैं, तो खादी अगर प्रेजेंट है तब तो हम खादी का कपड़ा पहन सकते हैं. ठीक है ना. तो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग, आखिर क्लॉथिंग कब से शुरू की गई. तो प्रिमिटिव पीपल डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लॉथ.
जो सबसे हमारे पूर्वज थे, जो बंदरों की तरह दिखते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि आखिर ये क्लोथ क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। दे कवर्ड देयर बॉडी विथ लीव्स एंड स्किन ऑफ डेड एनिमल्स। तो वो अपने शरीर को किस चीज़ से बनाते थे, वे अपने जो है शरीर को बचाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ की का इस्तेमाल करते हैं और जो है एनिमल्स के स्किन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है सम एविडेंसेस, तो कुछ उसके एविडेंसेस सबूत हैं, ठीक, सजेस्ट दैट द ह्यूमन मे हैव बिगन। तो कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं, कुछ सबूत ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि इंसान जो है 1 लाख से 5 लाख साल पहले से जो है वियरिंग क्लॉथ्स, कपड़ा पहन रहा है। 1 लाख साल से 5 लाख साल पहले आप देख सकते हैं, 1 लाख ईयर to 5 लाख ईयर्स ago आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़। ये कब हुआ, जब लोग जो है खेती वगैरह करने लगे, तब जो है दे स्टार्टेड वीविंग ट्विग्स एंड ग्रास इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स। तो उन्होंने छोटी छोटी लकड़ियों के टहनियों को और ग्रासेस को, घास को बांधने लगा और जो है वो लोग बुनने लगे उसको। स्लोली दे बिगेन टू वीव दिस स्ट्रिंग्स बाय हैंड्स टू मेक फैब्रिक। तो फिर जो है हाथों से ही जो है उसके धागे बनाने लगे और फिर उसको बुनने लगे, वीविंग स्टार्ट करने लगे फैब्रिक बनाने के लिए। तो इस तरह से जो है 1 लाख से 5 लाख साल पहले से जो है ये वीविंग का काम स्टार्ट हो गया, लोग धागा बनाना शुरू कर दिए। पीपल ऑफ इंडिया एंड इजिप्ट मेड क्लॉथ फ्रॉम कॉटन। तो इंडिया और इजिप्ट के लोग जो है ऐसे थे पहले जिन्होंने कॉटन का कपड़ा बनाना शुरू किया। द चाइनीज़ वर फर्स्ट हु डिस्कवर्ड सिल्क। और चाइनीज़ ऐसे थे कि जो जिन्होंने सबसे पहले सिल्क का कपड़ा बनाना शुरू किया। दे ऑब्टेंड सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म्स एंड मेड क्लॉथ फ्रॉम सिल्क। उन्होंने जो है सिल्क वर्म से, एक रेशमी कीड़े से जो है सिल्क लेना शुरू किया और उसी से जो है वो सिल्क का कपड़ा बनाना शुरू किए। इन द कोल्डर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ ठंडक का इलाका है, पीपल कवर्ड देमसेल्फ विद रोब्स मेड ऑफ वूल। यानी ऊन से लोगों ने अपने आप को कवर करना शुरू किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टिचिंग नीडल, हाँ, जब इस चीज़ का इन्वेंशन हो गया कि सुई और धागे से लोग, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ सच एज ब्लाउजेज, शर्ट्स एट्सेट्रा। तो लोगों ने जो है सबसे पहले ब्लाउज़ जो औरतें पहनती हैं आमतौर से, शर्ट और जो है लेटर मशीन्स वर इन्वेंटेड टू स्पिन व्यू एंड स्टिच। बाद में मशीन्स जो हैं वो बननी शुरू हुई और जो है लोगों ने उससे स्पिनिंग शुरू किया और फिर जो है कपड़ों को स्टिचेस शुरू किए। स्टिच का मतलब होता है सिलना, व्यू का मतलब होता है बुनना, स्पिन का मतलब होता है सूत कातना, ठीक है ना, स्पिनिंग करते हैं, सूत कातने को कहते हैं। जैसे कॉटन है, उससे अगर हमें धागा बनाना है, फाइबर बनाना है, तो क्लोथ्स मेड ऑफ थिन लॉन्ग फाइबर एंड फैब्रिक भी कंप्लीट करते हैं। तो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ थिन लॉन्ग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फाइबर्स। तो जो कपड़े बने होते हैं वो पतले और जो है लंबे स्ट्रक्चर के बने होते हैं जिसे फाइबर्स कहा जाता है। फाइबर्स आर लाइक थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट आर वूवन टू मेक फैब्रिक्स। तो धागे जो हैं वो स्ट्रैंड्स होते हैं, धागे फाइबर जो हैं वो बहुत ही पतले थ्रेड होते हैं जिसको वूव करके, जिसको आपस में बुन के फैब्रिक बनाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्क वूल। अब आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम्पल जो है फैब्रिक का, तो आप कह सकते हैं कि सिल्क, कॉटन, वेलवेट, सैटिन एंड सो ऑन। व्हाट आर दिस मेड अप ऑफ, आखिर ये किस फाइबर से बने होते हैं। तो टेक अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर, आप एक सूती का कपड़ा लीजिए, उसके फैब्रिक का कपड़ा लीजिए। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वंस एट द एजेस एंड पुल इट आउट। उसमें से एक धागा जो है खींचे बाहर, ठीक है। इफ़ नो लूज यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ नीडल। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कोई जो है सुई ले लीजिए जिससे जो है आप उसको निकाल सकें। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टूगेदर। तो हम देख सकते हैं कि जो है फैब्रिक से, यानी यार्न को मिला के हम फैब्रिक बनाते हैं जो। तो व्हाट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ, आखिर ये धागे, ये यार्न्स किस चीज़ के बने हैं। अ नंबर ऑफ फाइबर्स आर
ट्विस्टेड टुगेदर बाय स्पिनिंग, तो सूत कातना मैंने बताया था स्पिन करके, यहाँ पे सूत कातने की मशीन भी दिख रही है, तो अलग अलग रेशों को प्रयोग करके उनको ट्विस्ट करके मिला के उसको बना के एक धागा थ्रेड तैयार किया जाता है जिसे यार्न कहते हैं। स्पिनिंग ऑल्सो इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स बाई ट्विस्टिंग देम टुगेदर, तो सूत कातने से, अब सूत कातने की मशीन हमारे यहाँ जो यूज़ होती थी शुरू से वो क्या है, वो चरखा कहते हैं, चरखा इज़ यूज फॉर स्पिनिंग। तो इन इंडिया यार्न इज स्पन ऑन ए स्मॉल स्केल ऑन अ हाउस होल्ड टूल कॉल्ड चरखा, यूज़ ऑफ चरखा वॉज मेड पॉपुलर बाई महात्मा गांधी। तो आपने देखा कि महात्मा गांधी जो है वो चरखा का प्रयोग करते थे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम में यानी 1947 के समय में। तो नाउ अ डेज स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन इन द विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज टू मेकिंग फैब्रिक्स। तो स्पिनिंग करने के बाद ही धागों को प्रयोग किया जाता है किस काम में, तो उसको लाया जाता है उसी से जो है फैब्रिक बनाया जाता है जैसे कॉटन वगैरह ये सब चीज़ बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आपका होमवर्क है कि आप इसको लाइन बाय लाइन रीड करें, जो चीज़ नहीं समझ में आए उसको आप सर्कल करें और फिर उसका पिक सेंड करें और अंडरलाइन करके वर्ड मीनिंग भी ज़रूर लिखें। मैं बार बार ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप इसको कई बार रीड करें और उसके बाद ही इसको पूरा करें। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।